एक तरफ जहां लोग अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास धर्म आस्था के लिए शायद समय नहीं है, जहां लोग एंटरटेनमेंट ऐशो आराम की जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं दूसरी ओर धर्म आस्था व भक्ति में लीन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो निष्ठा से ईश्वर के प्रति अपना सब कुछ खुशी खुशी त्यागने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए ईश्वर के प्रति आस्था ही सबसे बड़ा सुख चैन और सबसे बड़ा धर्म है। और उन्हीं में से एक है हैप्पी शर्मा, जो टेकनपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने इस पिघला देने वाली धूप जिसमें लोग घर से बाहर निकलना भी गवारा नहीं समझते, परंतु हैप्पी शर्मा एक प्यारी सी हैप्पीनेस के साथ इस तपती गर्मी में सड़क पर अकेले ही पैदल यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु 1 मार्च 2024 को अपने घर से निकल पड़े। रविवार को यह पैदल यात्रा करते हुए गिरिडीह पहुंचे, जहां देखा गया कि हाथों में एक डंडा, कंधे पर एक भारी भरकम बैग लेकर महाकाल के एक झलक के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि अपनी यात्रा को लेकर उन्होंने क्या कहा। जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हैप्पी शर्मा है उर्फ रितेश शर्मा जी, और मैं प्रॉपर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ जी। और आज मुझे 38 दिन हो गए हैं करते करते पद यात्रा कर रहा हूँ जी जी। और यात्रा मैंने ग्वालियर से ही चालू की थी जी। मेरा जी जी जी। तो वहाँ से सबसे पहले काशी विश्वनाथ गए जी। काशी विश्वनाथ से फिर हम वैजनाथ धाम गए जी जी। वैजनाथ धाम से जा रहा हूँ मैं हैदराबाद वाले का। अभी इतने कड़ी धूप है और काफी लू भी चल रही है। कुछ भी नहीं होता सर, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर कहा जाए कि भक्ति में काफी शक्ति है ना। आप इस चीज को बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जो कभी धूप में नहीं निकला करते थे, मतलब अपने घर में होते तो जो उठना दोपहर में। तो आखिर मतलब ये मन में कहाँ से आए कि को पैदल यात्रा करनी है? क्या मन में इच्छा पैदा हुई? ये समझ लीजिए आपकी, अगर दिल से आप कोई चीज बोलोगे तो वो जरूर सुनती है। तो बस एक बार हमने भी तो उन्होंने भी आज्ञा दे दी कि हाँ जाओ, हम भी निकल आए। अच्छा अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरे सब कुछ है, माँ है, पिताजी है, अच्छा, बहन है, भाई है, दादी जी हैं। तो आपके इस पद यात्रा में अकेले आप ही हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।